और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 22 में पति द्वारा कथित रूप से गोली मारने से जख्मी हुई महिला ने दम तोड़ दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराई गई ये महिला, इलाज के दौरान बीते दिन महिला ने दम तोड़ दिया। सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया है कि मूल रूप से बिहार से सिवान स्थित गाँव समाना विगरी निवासी उपेंद्र सिंह अपनी पत्नी सरिता और बेटे के साथ किराए के मकान में सेक्टर 22 के चौड़ा गाँव में रहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उपेंद्र का मंगलवार रात को किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसी बीच उपेंद्र ने तमंचे से सरिता के सर में कथित रूप से गोली मार दी। वर्मा ने बताया कि सरिता को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां हालात बिगड़ने पर महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि गोली उसके सिर में फंस गई थी और शाम को उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। साथ ही भी बताया गया कि पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी ने चरित्र पर शक होने के चलते अपनी ही पत्नी पर गोली चला दी थी। और दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल के चलते सुबह 10 बजे तक कई रास्ते बंद रहे और ऐसे में पुलिस ने इसे देखते हुए कई रूट्स को डायवर्ट भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लाल किले की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों की तैनाती के साथ साथ बड़े बड़े कंटेनरों को भी ऊंची दीवारों भी खड़ी की गई। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन तक जाने वाली बसों के मार्गों को कम या फिर परिवर्तित भी किया गया। सामान्य बस सेवा सुबह 10 बजे के बाद बहाल कर दी जाएगी। और साथ ही बता देंगे, पुलिस ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के पास रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अस्पताल के वैकल्पिक मार्ग खुले रहेंगे। पुलिस ने आगे बताया कि आज अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए यातायात प्रतिबंध का सामना करना होगा और ऐसे में लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग, एस्प्लेनेड रोड और इसके लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड राजघाट से आईएसबीटी और आउटर रिंग रोड से आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक 2 दिनों तक के लिए आम जनता के लिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ये रास्ते बंद रहेंगे। इसी तरह की पाबंदी 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक स्वतंत्रता दिवस के लिए लागू रहेगी। यातायात पुलिस के अनुसार 12 अगस्त की मध्यरात्रि रात 12 बजे से आज सुबह 11 बजे तक महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय कालेखां आईएसबीटी के बीच अंतर राज्य बसों की अनुमति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक स्वतंत्रता दिवस के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी। ऐसे में डीटीसी द्वारा संचालित नगर बसें और आईएसबीटी और NH24 NHT पॉइंट के बीच पर रिंग रोड पर मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 11 बजे तक बस नहीं चलेंगी। साथ ही उन्हें उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों को लेने की आवश्यकता होगी।